पंजाब और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले में रोमांच की कोई भी कमी नहीं रही। एक समय ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उसके बाद सैम करन और जितेश की बल्लेबाजी ने पूरे मुकाबले को डोट पलट कर रख दिया। इसके बाद संजू सैमसन का गुस्सा फूटा है, तो चलिए बताते हैं क्या बोले संजू। लेकिन अगर आप भी संजू को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। जायसवाल जब 4 रन पर आउट हुए, उसके बाद कोई बल्लेबाज बड़ी बड़ी खेल ही नहीं सका। शुरुआत से ही दबाव आ गया था। कप्तान संजू ने 15 दिन में 18 रन की पारी के लिए रियान पराग ने 34 गेंद में 48 रन जरूर बनाए, लेकिन इसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ बड़ा नहीं कर सका और टीम 144 रन के स्कोर पर ही रुक गई। लक्ष्य का पीछे करने उतरी पंजाब की शुरुआत उससे भी ज्यादा बेकार। प्रप सिमन 6 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद बियरस्टो ने भी 14 रन बनाए। बता दे टीम काफी ज्यादा दबाव में थी। शशांक तो इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल सके और टीम ने 48 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे। 8 ओवर के बाद यहां से ऐसे लग रहा था कि पंजाब की टीम ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन जितेश और सैम करन ने पारी को संभाला। दोनों ने टीम का स्कोर 15 ओवर में 16 रन तक पहुंचा दिया था। अंतिम 28 गेंद में सिर्फ 35 रन की जरूरत थी। सैम करन 32 गेंद में 45 पर आ चुके थे, तो जितेश भी भरपूर उनके साथ दे रहे थे। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्द अपने टीम को जीत भी दिला देंगे, और ऐसा हो भी पंजाब की टीम ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से जीत हासिल करी। तो वहीं कप्तान संजू का गुस्सा काफी ज्यादा भड़क गया। उन्होंने कहा, इस मुकाबले में हमारी टीम सिर्फ गलत गेंदबाजी की तकनीक से हारी है। हमने एक बड़ा स्कोर नहीं बनाया था कि हमारी गलती थी, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत में 4 विकेट उनके 48 रन पर लेकर पूरी तरह से गेम में हमें वापसी कर दी थी। लेकिन उसके बाद सैम करन और जितेश की बल्लेबाजी काफी ज्यादा खतरनाक रही, हमारे लिए वह कहर बनकर टूटे। बता दे उन्होंने कहा कि प्रीति की भी यहाँ तारीफ करनी होगी। उन्होंने अपनी टीम को गाइड किया धवन के बाहर होने के बाद, जिस वजह से टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह से संजू ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि वजह से हरी राजस्थान की टीम, कमेंट सेक्शन में बताएं।